यदि आप लोग मुंगेर यूनिवर्सिटी के पार्ट 2023 साइंस स्ट्रीम वाले स्टूडेंट हैं तो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी देखने को मिल रही है। जो भी स्टूडेंट बीएससी वाले हैं उनका जो भी रिजल्ट है वो आ चुका है और आप सभी लोग अपने कॉलेज वाइज अपना जो भी रिजल्ट है वो देख सकेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं अभी अभी मेरे पास जो भी रिजल्ट है वो यहाँ पे आया हुआ है। यहाँ पे कॉलेज वाइज जो भी स्टूडेंट आरडीएस डीजे कॉलेज मुंगेर वाले स्टूडेंट है वो यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हैं किस प्रकार से रिजल्ट को चेक करना है। यहाँ पे आप सबको सबसे पहले एक पीडीएफ का फाइल मिलेगा, उस पीडीएफ फाइल को ओपन करना है और यहाँ पे देख सकते हैं आप सभी का रोल नंबर दिया गया है, रजिस्ट्रेशन नंबर दिया गया है, नाम दिया गया है। तो जो भी आप सभी का रोल नंबर या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ पे आप सभी को सर्च करना है। जो भी सर्च करेंगे तो यहाँ पे आप सभी को सर्च हो जाएगा और यहाँ पे आप सबको ऑटोमेटिक मैच कर जाएगा नाम। और यहाँ पे देख सकते हैं जो भी आप सभी का पूरा मार्क्स आया हुआ है वो यहाँ पे देख सकते हैं और एब्सेंट होंगे तो एब्सेंट भी यहाँ पे आप सबको देखने मिलेगा, प्रमोट है तो प्रमोट भी देखने को मिलेगा। यहाँ से आप सभी लोग अपना जो रिजल्ट है वो देख सकते हैं। तो यहाँ पे अभी लगभग 2-4 कॉलेज का जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया है। चलिए मैं आप सबको दिखाता हूँ किस किस कॉलेज का आया हुआ है और किस प्रकार से आप सभी लोग डाउनलोड करेंगे। रिजल्ट को डाउनलोड करने के लिए आप सबको कुछ भी यहाँ पे नहीं करना है, कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है, यहाँ पे सर्च करना है gulshanstudy.com। सर्च कीजिएगा तो यहाँ पे आप सबको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं रिजल्ट का सेक्शन है, इसमें आना है और यहाँ पे पार्ट 2 मुंगेर यूनिवर्सिटी BABCBCOM पार्ट 2 रिजल्ट, इस पर क्लिक कीजिएगा। इस पर जैसे क्लिक कीजिएगा तो आप सबको कहीं पर नहीं जाना है, यहाँ पे नीचे आना है और महत्वपूर्ण लिंक के ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पे देख सकते हैं आप सबका सभी कॉलेज का जो रिजल्ट है वो आ चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं आरडीएस डीजे कॉलेज मुंगेर बीएससी रिजल्ट, यहाँ पे देख सकते हैं लिंक एक्टिवेट हो चुका है अभी अभी। उसके बाद नीचे आएगा तो जो भी स्टूडेंट आरडीएस आरडी कॉलेज शेखपुरा के हैं उनका भी जो रिजल्ट वो जारी कर दिया गया है। आप सभी लोग नीचे आकर के अपने अपने कॉलेज में जो भी कॉलेज के स्टूडेंट है वो अपने अनुसार अपना जो रिजल्ट है वो यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आइएगा तो बरबीघा का जो रिजल्ट है वो भी आ चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं एसके आर कॉलेज बरबीघा बीएससी रिजल्ट यहाँ पे जारी हो चुका है, लिंक भी एक्टिवेट कर दिया गया। उसके बाद यहाँ पे नीचे आएगा तो जो भी स्टूडेंट आरडी कॉलेज शेखपुरा के हैं यहाँ पे देख सकते हैं वो यहाँ पे अपना जो रिजल्ट है वो यहाँ पे देख सकते हैं और यहाँ पे लिंक भी एक्टिवेट हो चुका है। तो यहाँ पे 3-4 कॉलेज का आ चुका है और जल्दी आप सबका सभी जो भी यहाँ पे कॉलेज वाइज रिजल्ट का लिंक है वो यहाँ पे एक्टिवेट किया जाएगा। जैसे जैसे आप सबका जो रिजल्ट पीडीएफ आएगा वो यहाँ पे अपलोड होता जाएगा और आप सबका जो भी लिंक है वो एक्टिवेट होता जाएगा। तो यहाँ पे आप सभी लोग विजिट करते रहें और अपना जो भी रिजल्ट है वो देखते रहें क्योंकि यहीं पर आप सबका सारा जो भी पीडीएफ है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा, क्योंकि आप सबका जो भी रिजल्ट है वो यहाँ पे ऑफलाइन ही जारी किया जाएगा और यहाँ पे आप सबको ऑनलाइन देखने को मिलेगा। आई होप कि मेरा द्वारा बताई जानकारी आप सब लोग समझ पाएंगे। किसी भी तरह का परेशानी होने पर आप सब लोग हमारे नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आप सबको कमेंट का रिप्लाई देने का 100% कोशिश करूंगा। अधिक जानकारी तो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन कर लीजिएगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया और यहाँ पर भी आप सबको दिया गया है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।